ऐसे कैसे मैडम, चाय पियो। तारीख है 18 मार्च 2022 और समय हो गया है 02:52 AM। आप ये कहना चाहते हो कि डिमोनेटाइजेशन वाले दिन की बात को अगर आप कह दो भाई, इलीगल टेंडर वाली बात को अगर आप ये कहते हो कि भाई हमने नोट बदल तो दिया, कलर ही तो चेंज किया है, मैडम रेल बना दूंगा मैं मोदी की और मोदी के ना थिंक टैंक्स की। रेल मतलब रेल बना दूंगा ICJ में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। आप नहीं मानो ना, हमें क्या मतलब है? आप ना मानो, हमें क्या मतलब है मैडम? जी हाँ, इंडियन पिनल कोड। हमें क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड आर्टिकल 249 करेंसी से छेड़छाड़ नहीं हो सकती मैडम, और आपने इलीगल टेंडर कह दिया। नाउ इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मैडम, दे हैव टू आंसर, आर यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? टेल मी योर यस, टेल मी योर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू आंसर मैम। पागल हो गए हो क्या? अबे ये नहीं कागज छापा, गोल्ड छापा बराबर है। 15.3 ट्रिलियन का गोल्ड देना पड़ेगा, गोल्ड गोल्ड। और वो भी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 इनवैलिड हो जाएगा। मतलब मोदी जो है ना, पूरी मोदी और उसकी टीम जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन की थी, ये उम्र कैद नहीं, हत्या तो खैर नहीं लगेगी, ता उम्र कैद टू बी सेंट सेंड बिहाइंड द बार्स। फॉर हिज विद हिज टीम फॉर हिज एंटायर लाइफ। आर्टिकल 249 नहीं पढ़ी है मैडम, विश्व का पैसा देना है आपने, और अगर भारत में आपने उतने पैसे के गोल्ड नहीं रिजर्व रखा ना, तो भारतीय जो है इंडिया से बाहर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, समझे? नहीं समझे? क्या हुआ?
सबसे पहले ग्रुप बनेगा जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध ट्विटर पे किया है, बस फेसबुक और वो सब बाद में। शंग्रीला अशोका में सम्राट में ले लो, सम्राट और अशोका भी बुक कर लो, क्या हो गया। मेरा अकाउंट नंबर लिखवा देना, मैं सोच रहा हूँ जाऊंगा किसी दिन अशोका में या सम्राट में वेरीफाई कराने। सम्राट और अशोका दोनों इंटरकनेक्टेड है, पता तुम्हें? सम्राट होटल से अंदर अंदर अशोका में चले जाओ और अशोका से अंदर अंदर सम्राट में आ जाओ, मालूम है तुम्हें ये बात? दोनों लगे हुए तुम्हें, दोनों सम्राट और अशोका होटल, नहीं पता तुम्हें? गया था किसी काम से सर्विस एरिया पूरा घुमा हुआ मैंने मतलब वैसे नहीं यहां, फिर भी कौन सा अकाउंट वेरीफाई करूंगा तुझे क्यों बताऊं? कोई वजह? नहीं, जाऊंगा किसी दिन टहलते हुए अपना आराम से पूछ के आ जाऊंगा, यहां आसपास कोई 7 स्टार है ही नहीं। स्वच्छ भारत अभियान मैंने शुरू किया था, बात खत्म है। तो यही तो था कोड, कॉन्स्पिरेटर है, ट्रेटर है और क्या। हम तो नहीं मानते, इसने खुद एक्सेप्ट किया है। 8 महीने से ज्यादा समय लिया है इसने, 8 महीने का समय लग गया और गलती करी है, बेवकूफ समझा तूने पाकिस्तान से अभी गोल्ड उठा रहे हैं हम लोग, हाँ काम चालू है, घरों से भी निकाल रहे हैं। करेंसी कौन सी वाली है तेरे पास? ये वाली जिस चीज के घर में नहीं करेंसी है उतने वर्थ का गोल्ड दे दे चुपचाप नहीं, अभी पहले बैंकों से उठाएंगे फिर वहां कंपनियों के वो सब है, उतना ट्रेस होता है। गॉबलिन है ना जिस दिन पहली बार गॉबलिन आया ना मेरे से मिलने के लिए, भेजा गया तो मेरे पास गोल्ड था ही नहीं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले ईसाई को ज्यादा बन रहे थे, कह रहे गॉबलिन। गॉबलिन मालूम है क्या होता है? नहीं मालूम? आपने कभी गॉबलिन देखा अपने घर में? गॉबलिन देखा है? नहीं देखा? गॉबलिन दिखता है कैसे? ऐसे नहीं दिखेगा, चलते हुए आपको ना आंख के आगे एक हल्की सी छवि दिखाई देगी, वो आके घूमेगा पूरे घर में। अगर आपको आपके घर में गॉबलिन दिख जाए ना कभी, तो समझ लो आपकी जांच शुरू है। ज्यादा दिमाग लगा रखा है ये ईसाइयों ने। वो देख लेंगे,
क्या वक्त से दुख हो रहा है मेरे मेरे लिए, अगर किसी ने शंग्रीला में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करा दिया तो किसे दुख हो रहा है? कमाने के बाद रहने जा रहा हूं, मेरे ख्याल से अब तो किसी को ऐतराज नहीं है। ओए ऐतराज फिल्म वाले अच्छा दिल्ली टू चाइना, यहाँ चाय हाँ है फिर वही बात है, चीन को उल्टा करोगे तो क्या निकलेगा मालूम है? हैं नची नचिकेता का नाम सुना है? कहाँ गया भाई नचिकेता पायलट वाह वाह वाह, न्यूज में फोटो चाहिए बढ़िया वाली एकदम एकदम ऐसे नहीं यही वाली फोटो चाहिए जब ऐसे हाँ नहीं और कोई सी क्या बात कर रहे हो? नहीं इंटेलिजेंस सब मान ली बात आपकी, आप इंटेलिजेंट हो मैं इंटेलिजेंट सब इंटेलिजेंट मान ली बात, पैसा नहीं दूंगा ना पैसा नहीं मिलने वाला भाई किसी को भी, तो मैं क्या करूं? हाँ बिहार कर यहां भेज दिया। ओए बात सुनो ये मेरी टीम एल्बिट सिस्टम मुथूट और कौन सा है, कौन कौन सा है अन्नापुरम क्या है? हाँ इन सबका गोल्ड सीज करना शुरू करो हाँ पता करो, मैं क्या करूँ इसमें? और जितने भी इंडिया में ज्वेलर्स है ना सबका गोल्ड सीज करो भैया, हमारा है तुम कौन हो? नोटबंदी वाले दिन बड़े प्यार से नोट बदल रहे थे ना, गोल्ड कौन तुम्हारा बाप देगा? हाँ बदल ले नया गोल्ड रख लियो उस पैसे का ना, हम तो पुराना गोल्ड तो नहीं दे रहे हम ओल्ड इज गोल्ड एंड नो गोल्ड इज गोल्ड। गोल्डन मेलेडीज की कंपनी का नाम सुना है? गोल्डन मेलेडीज का नाम सुना है? मेलेडी या चॉकलेटी सुना है? ब्लैक गोल्डन जब दिखाना होता है ना हमारे को, तुम मेलेडी मेलेडी खरीदते हैं। पैसा हमारा था है और रहेगा, तुम गरीब हो गए हो गरीब, आईएसआईएस में भर्ती हो जाओ, आतंकवादी बन जाओ, बात मान जाओ, खाने को मिलेगा खाने को जाओ, बेइज्जती बात मान जाओ मेरी, मस्जिद के बाहर खड़े हो जाओ। मैंने पहले ही कहा था इस देश में हर मंदिर में मैं लंगर शुरू करवा देता हूं, फाइव स्टार होटल, पैसा तुम्हारा बाप देगा हाँ अब सब गाओ ओए तुम लोग, मेरे से कह रहे तू ये गाना क्यों गा रहा है? सुख के सब साथी सुनो, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। अरे भाई मैं अपने लिए नहीं गा रहा था, मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए गा रहा था बे, बुरे दिन आने वाले हैं तुम्हारे,
क्या कह रहे हो, पुतिन ने आके क्या करा? कह रहा पीएमओ में से घड़ी वड़ी सब उतारने लग गया पुनी पुतिन है। अच्छा, और देखे हो कुर्सी टेबल भी ना भर के ले जाए, वो ऐसे ही है वो। और यूक्रेन वाले को बोलो, यूक्रेन और रूस को, तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो यार? जेलेंस्की भैया बात मान जा, पुतिन पहले लपेट लेगा यहां से, जल्दी आओ जल्दी, लाइट बल्ब बत्ती एलईडी खोल लो। नहीं पाकिस्तानी नहीं आ सकते ना, उन्होंने खुद नोटबंदी करी थी। हाँ, इधर कॉलोनी में और कौन कौन थे, इन सबके घरों के भी लाइट बत्ती बल्ब खोलना शुरू कर बे। भाई मैंने विरोध किया नोटबंदी का यार, क्या बात कर रहे हो तुम। बंद कर यार ये आईजीएल, आईजीएल क्या है कि खाम का पैसा कौन देगा? मैंने लिख दिया था दरवाजे पे अपने में का, तुम पढ़ लो। कह रहे ये क्यों लिखा तूने, लरकट कट कट रथ बनाया चूहा लड़ने जाता है। मैं तुम पढ़ो ना। मैं कोई विरोध नहीं करा, हम क्या करें, अपने प्रधानमंत्री से जाके पूछो, चलो ए भारतवासियों प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचो। नहीं 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 है, गोली वोली मार देंगे, कोई बात नहीं है। पर खैर और कोई सवाल पूछना है? अपना होटल चलता रहेगा, रोज की कमाई होती रहेगी और क्या, अब बैली डांस वगैरह चलता रहेगा उसमें, गिड़गिड़ गड़गड़ गड़गड़ गिड़ टिक 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 टिक। हाँ, कौन रहा अभी फिर से था? नहीं अभी फिलहाल नहीं। नहीं मैंने पहले ही बोल दिया था काजी को, बोल दिया काजी साहब मुझ तक आना सके किसी और के पास जाना सके। निपिलाल निपिलाल मूड में, क्यों क्या हो गया? नहीं नहीं अभी तो पैसा कमाना शुरू कर, तो देखता हूँ खर्च करना शुरू हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो क्या बात हो गई, हैं? आसमान में गरीबी के बादल छा रहे हैं या बादल पे भी गरीबी छा गई? अब बादल दिखाओ, है बादल गरीबी के बादल। और अमरिंदर जी क्या हाल है? तो मेरी आवाज में वही पैसा तो खर्च किया है ना जो नोटबंदी के बाद था, जिसमें गोल्ड नहीं है। कहाँ खर्च, कोई खर्च किया? कितना खर्च किया? तो मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा मेरे से? मैंने जब अपने तक पैसा मंगवाया तो मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा?
बीसल बजा दूंगा। तो क्यों खाना खा अपने अपने दिल को तला क्या था? दिलासा दे रहे हो को पता नहीं है। भारत सरकार एसपीजी वेसपीजी क्यों फालतू तो दिमाग लगा रहे हो यार? नोटबंदी पे बात करो, 8 नवंबर 2016 को मेरे पास कोई बेल्ट नंबर नहीं था, तो रहने दो ना, मैं कुछ भी बोलूं वीडियो में, तुम्हें क्या मतलब है? इट वॉज अ हिस्ट्री, वी आर डिस्कसिंग हिस्ट्री, दैट्स इट, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? मतलब तुम्हें अपने गरीब होने पे दुख नहीं हो रहा है बहन के लोड़ों, तुम्हें मेरे मेरे अमीर होने पे ज्यादा दुख हो रहा है तुम्हें? मैं तो बहुत पहले ही कार्यक्रम शुरू किया था, मैंने कहा यार हर एक मंदिर में जो है ना भंडारा शुरू करवाओ इन सब के लिए। नहीं नहीं यार है? अच्छा कौन कौन गया था मंत्री बनने बीजेपी में? अच्छा बन गए, ठीक है। यार तो बीजेपी का झंडा देखते ही हंसी छूट जाती है। मैं से कह रहा यार तेरे को ना कोई बंदा आता उसे देख के बजर क्यों लगता है यार? असल में क्या है, वो मेरे से बहुत ज्यादा गरीब है। मेरे पास तो लेटर लेके भी आया ना इंडिया पोस्ट से, तो वो भी कम से कम जो है ना, नहीं, सुल्तान ऑफ ब्रुनेई जितना तो होना ही चाहिए। फिर बजर नहीं लगता। हाँ बात तो सही है। हो सकता है अगर आईसीजे या कहीं से भी मेरे ऊपर इस बात की पेनल्टी लगेगी ना कि मैं अब्यूजिव हूं, मैं 1 रुपए की पेनल्टी नहीं पे करूंगा। इन लोगों ने मेरे पूरे देश को लूट लिया, और इंडियन आर्मी और भारत का जो है अर्थशास्त्र अर्थ अर्थ अर्थशास्त्र और उसको चलाने वाले जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं ना, इन सब की वजह से मेरे देश का पूरा एक एक गोल्ड, मेरा देश पूरा खुक्कल बैंड हो गया। आप बताओ मैं क्या करूं? जब देश बचा ही नहीं तब बचाऊं बना बचाऊं किसे? देख लेंगे, बात चल रही है शंगरीला खरीदने की। नहीं नहीं वैसे नहीं, किराए पे खरीद लेंगे और क्या। मैं सम्राट में रह लूंगा, अशोका में टीम रहेगी मेरी। नहीं, पहले वो जिन्होंने ट्विटर पे नोटबंदी का विरोध किया वो है पहले टीम, पहली टीम। आप अमीर हो गरीब हो अच्छे हो बुरे हो लंगड़े हो लूले हो कोई बात नहीं, पर देखेंगे वहां कौन रह सकता है। अगर आपके पास रहने के लिए तो अपनी जगह रहिए, फिलहाल जरा वहां पहले आओ पहले पाओ नहीं है। मैं अपने आप कॉल करूंगा, आप लोग अपने ना एनवलप में कब क्या कैसे बस दे बैठ कर पढ़ते रहना, उसके आपसे कॉल करता रहूंगा। नहीं तू तू रह तू जाकर के रह रह ले, तेरे पे पैसा है तो। मैं वही बात समझा रहा हूँ, मैंने इनको एक बात समझाई स्टार्टिंग में, मैं कहा यार JSR सिक्योरिटीज बना लेता हूँ, उसके ऊपर भी मेरे पीछे पड़ गए। तो अब मेरी JSR सिक्योरिटीज है या नहीं, और तुम्हें उससे क्या मतलब?
मैंने तो इन्फॉर्म भाई, मैंने अगर नेवल फ्लीट खरीदी, चलो कोई बात नहीं, ये समझ लो इंडियन नेवी को इन्फॉर्म कर दिया मैंने। सही है गलत है? आईसीजे इंटरपोल को इन्फॉर्म कर दिया, बात खत्म है। अमेरिका रूस सबको इन्फॉर्म कर दिया, कोई दिक्कत किसी को?